स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग बात करने हैं बेटा आपकी वर्कशीट नंबर ट्वेंटी एट के बारे में सोशल साइंस की और क्लास सेवन की आज की डेट क्या है आज की डेट है बारह ग्यारह दो हज़ार इक्कीस यहाँ पर आपको अपना नेम बच्चों यहाँ अपनी टीचर का नेम लिखना है इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले चौता दूँ कि लास्ट वीक के विनर का अनाउंसमेंट हमने कर दिया है अगर आप भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेटेटेटेट कर, कर विन होना चाहते हो बहुत सारे प्राइजेस को कर लो वीडियो को लाइक चैनल को कर लो सब्सक्राइब बेटा फुल वीडियो को वॉच करते हुए कमेंट जरूर करना साथ ही साथ इसके लिंक को जो है अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना और राइटिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट जरूर करना उसके लिए आप कमेंट में हमें बताइएगा और लिंक हम आपको देंगे वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएंगे चलिए देखते हैं बच्चे इसमें क्या बोला गया इसमें बोला गया है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क ठीक है किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट वर्क करती है और इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ द स्टेट इट्स हैज 28 एट इस्टेट्स एंड एट यूनियन टेरेटरीज दीज स्टूडेंट्स एंड यूनियन दीज स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज आर अगेन डिवाइडेड इन टू डिस्ट्रिक एंड अदर एरियाज़ टू रन द गवर्मेंट स्मूथली कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया है बेटा ये जो इंडिया है ये डिवाइड की गई है दो चीज़ों में एक स्टेट गवर्नमेंट में और एक यूनियन देखो सॉरी 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 बात सुनिएगा इंडिया जो है बेटा ठीक है इंडिया के अंदर रूल चलाने के लिए क्या है यूनियन गवर्नमेंट है ठीक है और स्टेट यूनियन और स्टेट्स में इसको क्या कर दिया गया है डिवाइड कर दिया गया है ठीक है यूनियन और स्टेट्स में डिवाइड करने के बाद इसी स्टेट और यूनियन को कई डिस्ट्रिक्ट और कुछ अदर एरियाज में भी डिवाइड करा गया है जिससे स्मूथली यहाँ के जो गवर्नमेंट है वो रन कर पाए एवरी स्टेट हैज़ स्टेट असम लेजिस्टिव असेंबली मैंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असम्बली कॉल्ड एम एल एज ईच स्टेट डिवाइड इंटू अ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंस ही कहने का मतलब है हर स्टेट क्या होता है बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होता है और ये जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं बेटा इन्हीं ही कॉन्स्टिट्यूंसी ठीक है, है या कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में क्या होता है एक एम होता है ठीक है इसके बाद क्या है फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्युएंसी द पीपुल इलेक्ट आर वन रिप्रेजेंटेटिव हु बिकम द मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज अवे वी कैन सी द एमएल रिप्रेजेंट द पब्लिक ठीक है इसके बाद क्या है एमएलए जो होता है इसी आधार पर हम कह सकते हैं जो एम एल ए है वो रिप्रेजेंट करता है पब्लिक को चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है इसमें बोला गया है यू वुड हैव नोटिस दैट The people stand for election. The name is different parties. These MLAs therefore belong the different political parties. The political parties whose MLA win more than half of the constituency is considered to be in the majority in the states. The political parties is with a majority called the ruling party. Okay, and other are called opposition. After the election of the MLAs. Uh, to the uh, ruling party, elect the leader who become the chief minister. The chief minister then elect the people as a ministers. After the election, it is a governor of the state who appoints the chief minister and other. The chief minister and other that have responsible of the running various governments, department or ministers they. हैव सेपरेट ऑफिस सम ऑन द पार्टीज डज गेट क्लियर मेजोरिटीज़ इन केस मैनी पार्टीज कम टूगेदर टू फॉर्म गवर्नमेंट वन और मोर देन पार्टीज टूगेदर कॉल दॉलिनेसन कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि देखो बेटा होता क्या है जो एम एल ए होता है बहुत सारी पार्टीज़ के एम एल ए एक साथ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज से खड़े होते हैं जिस एम को हाफ से अधिक वोट मिलते हैं वो विन हो जाता है और जब वो विन होता है तो उसकी पार्टी जब हाफ से अधिक पूरे स्टेट में वोट पा जाती है तो वो रूलिंग पार्टी बन जाती है और दूसरी पार्टी अपोजिशन पार्टी कहलाती है इसी रूलिंग पार्टी से चीफ मिनिस्टर बनता है ठीक है और चीफ मिनिस्टर क्या करता है अन्य मिनिस्टर्स को भी बनाता है ठीक है अन्य मिनिस्टर भी होते हैं उसके साथ गवर्नर क्या करता है इनको शपथ दिलाता है ठीक है इसके बाद क्या है इनके कई डिपार्टमेंट होते हैं दूसरे जो मिनिस्टर्स होते हैं जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट और जो इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट हो गया इसके बाद बहुत सारी पार्टीज़ आपस में मिल के कोलिनेसन करती हैं यानी कि एक साथ ज्वाइंट हो जाती हैं देखो एक्टिविटी वन क्या दी गई है हमसे बोला गया है द रिज़ल्ट ऑफ द स्टेट असेंबली ठीक है इलेक्शन इज गिवन ब्लो आंसर ऑन द बेसिस ऑफ द रिज़ल्ट इसी रिज़ल्ट के बेसिस पे हमें आंसर देना है तो यहाँ टोटल सीट कितनी है बेटा थर्टी एट है ठीक है कौन सी स्टेट पार्टी जो है वो गवर्नमेंट बनाएगी और क्यों बनाएगी क्योंकि क्या है देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर कौन सी स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी तो कौन सी स्टेट पार्टी बनाएगी तो बनाएगी लोक धारिकर पार्टी जो है ठीक है ये बनाएगी आंसर ये हो गया वन क्यों बनाएगी तो पहले लिख लेना स्टेट स्टे, ठीक है पार्टी ठीक है, विच फॉर्म चलो मैं लिखवा देता हूं ठीक है लिखो लोक धारिकर पार्टी फॉर्म गवर्नमेंट बिकॉज ठीक है Because, because the party get majority. पार्टी को क्या मिल गई बेटा मेजोरिटी गई ये हो गया आपका ए वाले का आंसर ठीक है इसके बाद हमसे बोला गया किस पार्टी को हम क्या अपोजिशन पार्टी बोलेंगे तो जनता कल्याण दल जो है ये कहलाएगा हमारा अपोजिशन पार्टी ये हो गया आंसर बी का ठीक है इसके बाद बोला गया फ्रॉम द विच पार्टी चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स फॉर्म ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा लोक ठीक है आधार पार्टी ठीक है ये इसका आंसर हो जाएगा चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है एक्टिविटी टू बोला गया है फाइंड द नेम ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टीज कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का नेम आपको बताना है तो यहाँ लिख लेना बेटा बीजेपी ठीक है लिख देना सापा ठीक है लिख देना कांग्रेस ठीक है बीजेपी हो गया सापा हो गया कांग्रेस हो गया और आपका हो गया आप पार्टी ठीक है तो ये सब क्या है पार्टीज हो जाएंगी अगला देखो क्वेश्चन क्या है अगला क्या दिया गया गवर्नर द हेड ऑफ अ स्टेट इज गवर्नर जो हेड होता है स्टेट का वो गवर्नर होता है वो ही भी हो सकता है सी भी हो सकता है जो अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट को रूलिंग करने के लिए और रेगुलेशन करने के लिए ठीक है चलिए देखिए एम क्या होता है ठीक है हु इज द अमएलए ऑफ योर एरिया तो मेरे एरिया का एम देखो बेटा मनोज तिवारी है मनोज तिवारी जी हैं ठीक है थीके? तो अगर आपके एरिया के जो एम एल ठीक है वो आप लिख लेना मम्मी पापा से पूछ के ठीक है क्योंकि मुझे आपका एरिया नहीं पता है इसके बाद टर्म जो कॉन्स्टिट्यूंसी और रिप्रेजेंटेटिव है एक्सप्लेन करना है ठीक है एम एल एंड हु द पर्सन इलेक्टेड ठीक है कैसे पर्सन जो है इलेक्ट होता है तो देखो बेटा क्या है यहां पर आप क्या करोगे इसका आंसर यहां से लिखोगे ठीक है पीपुल स्टैंड फॉर द इलेक्शन ठीक है यहां से लेकर पूरा ये पूरा आप लिख दोगे ठीक है ये आंसर हो जाएगा आंसर नंबर टू ठीक है चलिए आगे आपकी जो वर्कशीट है बेटा वो यहीं पर होती है समाप्त आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट कर बताना वीडियो लाइक करना चैनल सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करना धन्यवाद प्यारे बच्चों